वेलकम बैक वंस अगेन टॉक विथ शुभम यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की तरफ से आ चुकी सरकारी डेयरी विभाग नई भर्ती 2021 के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी केवल 10वीं पास हैं और अभी तक आप लोगों के पास किसी भी तरह की प्राइवेट या सरकारी नौकरी नहीं है और आप सभी का सपना है साल 2021 के अंदर डेयरी विभाग में काम करने का, एक अच्छी सी पोस्ट पर सरकारी नौकरी पाने का, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि आज की इस वीडियो को बिना कहीं स्किप किए आगे बढ़ाए पूरी आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो आपके काम की लगे तो इस वीडियो को एक लाइक करने के बाद आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी को इस वैकेंसीज के बारे में कुछ खास बातें जो कि बताना चाहूंगा, देन आपको आगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेकर चलेंगे। तो दोस्तों, पहली और सबसे अच्छी बड़ी खास बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार की तरफ से ये सरकारी नौकरी आ चुकी है जो कि आपको डेयरी विभाग की तरफ से देखने को मिलने वाली है। इसके बाद ऑल इंडिया लेवल की जॉब आ चुकी है, आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं। और इसके बाद तीसरा नंबर की ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, यानी कि अगर आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक देखते हैं तो आप लोग बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही फॉर्म फिलअप यानी कि फॉर्म भर पाएंगे। देन इसके बाद यहां पे वेतन आपको 34,800 रुपए तक का मंथली का दिया जाएगा, साथ में आपको ग्रेड पे भी दिया जाएगा और आपका जो चयन यानी कि सिलेक्शन है वो यहां पे फिजिकल के बेस पे होने वाला है, साथ में स्किल टेस्ट भी होगा। क्या क्या रहेगा इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, और भी काफ़ी सारी बातें हैं जो कि आपको बताई जाएंगी। मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, साथ में आप लोग आवेदन कैसे करेंगे, आपकी एज क्या रहेगी, इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और नोटिफिकेशन को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, हमारा नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है, आप सभी के लिए काफी बड़ा नोटिफिकेशन है। इसके अंदर आपको यहाँ पे पोस्ट और साथ में यहाँ पे आपको यहाँ पे रनिंग जो आपका पे बॉन्ड वगैरह रहेगा उसके बारे में यहाँ पे पूरी की पूरी जानकारी प्रोवाइड कराई गई है। फॉर एग्जाम्पल आगे हम यहाँ पे देखते हैं तो देख पाएंगे आप लोग एनिमल के अंदर यहाँ पे आप लोग देखें न्यूट्रिशियन डिप्टी मैनेजर की। इसके बाद यहाँ से अगर नीचे आएंगे तो आपको और भी काफ़ी सारी यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेंगी अलग अलग डिपार्टमेंट बेस वाइज असिस्टेंट मैनेजर की। इसके बाद यहाँ से और नीचे आइए, आपको यहाँ पे काफ़ी सारी पोस्ट वैकेंसी देखने को मिलने वाली हैं। यहाँ से आप लोग जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे आपको अलग अलग पोस्ट वैकेंसी देखने को मिलती जाएंगी। और इसके बाद यहाँ पे टोटल आपको देखिए असिस्टेंट डेयरी केमिस्ट की, और इसके बाद यहाँ से और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको बॉयलर की ऑपरेटर फर्स्ट के अंदर, और इसके बाद बॉयलर की ऑपरेटर सेकेंड के अंदर, और इसी से जुड़ी यहाँ पे देखिए जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर की काफ़ी सारी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी। साथ में आपको डेयरी टेक्नीशियन की वैकेंसी भी मिल जाएंगी, कैटेगरी वाइज कास्ट वाइज और पोस्ट वाइज पेमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है, जूनियर अकाउंट परचेज और स्टोर सुपरवाइजर की भी वैकेंसी है, यहाँ पे आपको प्लांट ऑपरेटर सेकंड की वैकेंसी भी मिल जाएंगी, साथ में यहाँ पे आपको लाइव स्टॉक सुपरवाइजर सेकंड की वैकेंसी मिल जाएंगी, रेफ्रिजरेटर ऑपरेटर की वैकेंसी मिल जाएंगी, और देन यहाँ पे बात करें तो फिटर की वैकेंसी भी आ चुकी है, और यहाँ पे आपको वेल्डर की हेल्पर की डेयरी वर्कर की जहाँ पे अगर आप लोग केवल 10वीं पास हैं तो भी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। वेतन वगैरह यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको प्रोवाइड कराया जा रहा। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे डेयरी सुपरवाइजर सेकंड की वैकेंसी भी है, और यहाँ पे आपको विलेज एक्सटेंशन वर्कर और डेयरी सुपरवाइजर की वैकेंसी भी देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद यह नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, अगर आप लोग चेकआउट करना चाहते हैं तो आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बारे में आगे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सरकारी दूध डेयरी भर्ती 2021 के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ आवेदन करने के लिए यहां पे फॉर्म भी आ चुके हैं। इसके बाद यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप लोग केवल 10वीं पास हैं तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। वेतन आपको 34,800 रुपए तक का यहाँ पे पर मंथ का दिया जाएगा। ऑल इंडिया लेवल की जॉब आ चुकी है, आप लोग भारत के
किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए ऑल इंडिया लेवल की जॉब आ चुकी है। इसके बाद यहाँ पे आपको काफी सारी और भी डिटेल में जानकारी देनी है जो कि आगे आपको वीडियो में प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके लिए आपको वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। अगर आपको वीडियो आपके काम की लग रही हो तो आप लोग इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चलिए चलते हैं आज के अपने मेन साइट पे जहां से आपको नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी सारी डिटेल में जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा तो क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। यहां पे आने के बाद देख सकते हैं डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट है 2021 के लिए। अप्लाई ऑनलाइन फॉर डेयरी इंस्पेक्टर वेरियस पोस्ट वैकेंसी के लिए आपको आवेदन करने होंगे। इसके बाद अधिक जानकारी के लिए आप लोग linkworking.org की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। देन यहां से आप लोग नीचे आएंगे तो देखेंगे नंबर पोस्ट यहां पे वेरियस हैं। पोस्ट नेम की बात करें तो आपको डेयरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑलरेडी फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं जिसकी आखिरी डेट 31 अक्टूबर 2021 की होने वाली है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो आपकी उम्र कम से कम 18 और अधिक से अधिक 40 साल की होनी चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशन फीस आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे की लिस्ट है। आप लोग क्लिक हेयर पे क्लिक करके जिस किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होंगे आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपका ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होने वाला है। अगर बात करें कि आप लोग कौन कौन से राज्यों से आवेदन करेंगे तो ऑल इंडिया लेवल की जॉब आ चुकी है। आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से अगर आप लोग नीचे आते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे वेतन के बारे में जानकारी दी गई है। वेतन आपका यहाँ पे 34,800 प्लस यहाँ पे ग्रेड पे भी आपको ऐड करके पर मंथ का दिया जाएगा। एजुकेशन है, एजुकेशन के अंदर आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि आपका यहाँ पे मैट्रिकुलेशन 10th पास होना चाहिए तो आप लोग एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। कैसे आप लोग आवेदन करेंगे इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। 31 अक्टूबर 2021 तक आपको आवेदन करने होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि आवेदन करते टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपोर्टेंट होंगे जो कि आपको रेडी रखने हैं तो अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर क्रॉप या फिर रिसाइज करके आप लोग रखिएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ केवीज में आपके फोटोग्राफ वगैरह लगेंगे। तो बाद में अगर आप लोग ऑनलाइन भरते टाइम ये सब करने जाएंगे तो हो सकता है कि सर्वर टाइम आउट हो जाए, इसीलिए आप लोग पहले से ही रेडी रखिएगा। इसके बाद आपका जो सिलेक्शन है वो रिटन एग्जाम स्किल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट के बेस पे होने वाला है। देन यहाँ पे हम बात करें इम्पोर्टेंट लिंक्स के बारे में तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं linkworking.org की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, अप्लाई का लिंक है, नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे क्लिक हेयर पे क्लिक करके और वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको ऑनलाइन आवेदन करने की वीडियो बना के पूरी की पूरी जो है तो प्रोवाइड कराऊं तो इस वीडियो के लिए केवल 500 लाइक का टारगेट है। अगर आप लोग इसको कंप्लीट करते हैं तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की वीडियो मिल जाएगी, काफ़ी जल्दी मिल जाएगी जिससे आपको आसानी हो जाएगी इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने के लिए। तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।